मुझे तो बिल्कुल ही पसंद है नामाकुल। मैंने उसको क्रॉस चेक करने के लिए आज कंपनी से बंदा आएगा। और भैया आ गए हैं। हेलो भैया, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आज गाड़ी का एग्जाम है। आपको अगर ये चीज चेक करने की गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं तो क्या चीज है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली मेरी ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उस वजह से मैं एलेग्रा खा रहा हूँ पिछले 4 दिन से, और इससे नींद बहुत ज्यादा आती है। तो मैं सुबह खाता हूँ, शाम को खाता हूँ, और सुबह खाने के बाद काम पे जाता हूँ शाम को, बुरी हालत हो रखी है, सुबह उठा नहीं जाता यार। और वेलकम टू माई लाइफ। तो अभी सुबह सुबह के टाइम में मैं आप लोगों को पहली बार दिखा रहा हूँ, हमारी सुबह सुबह बैठक बैठती है। मैं कभी कभी बैठक का हिस्सा बन पाता हूँ, मोस्टली पापा जी, मम्मी जी और भाभी बैठते हैं, क्योंकि मेरे को इस टाइम सिम्बा घुमाने जाना पड़ता है। बट मैं पापा जी से एक चीज कहने आया था कि पापा जी ने एक कार थोड़ी पसंद कर रखी थी और उसका कार का कलर बहुत चटैक है, तो पापा जी हम वो गाड़ी देखने नहीं जाएंगे। मुझे भी पसंद नहीं है वो है? मुझे भी कलर पसंद नहीं है वो। अरे भाई क्या बताऊं मैं, मुझे भी नहीं। मुझे तो बिल्कुल ही पसंद है नामाकुल। पसंद है ना? पसंद है, गर्मी नहीं होती। बस इतना ही होता मेरा, हो गया। मेरी कौन वीडियो बनाता, हम तो खुद ही पाला ही तरह फोन घुमा। और एक और अपडेट है, जो मैं क्रेटा सेल कर रहा हूँ तो किसी ने उसकी एक्स अमाउंट कोट करी, जो पापा जी का फ्रेंड है। मैंने उसको क्रॉस चेक करने के लिए आज कंपनी से बंदा आएगा, वो देखेगा। अभी चल पड़े हैं जिम की तरफ, थोड़ा लेट हो गया हूँ। बाकी जो मेरा भाई है उसने जो जिम ज्वाइन कर रखा है वो बाहर कर रखा है, मतलब हमेशा से वो बाहर जिम करता है। मैं कुछ सोसाइटी से प्यार है, दो चीज़ है, एक तो भाई पैसे ऑलरेडी दे रखे हैं, दूसरी ये कि टाइम ना जो बहुत बचता है, जब थोड़ा बहुत मन करता है जिम करने का अपना इधर आ जाता है। अभी कार्डियो कर लिए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार ये ना जिम वगैरह आसान चीज़ नहीं है पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ एक दिन के बारे में सोचो कि भाई आज जाना है, अटेंडेंस लगा के आनी है, दैट्स इट, हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी में और आपको दिख ही रहा होगा, वैसे मैं क्या अलग से बताऊंगा। साइड बाय साइड ये प्लान है कि जिस ऐप से मैंने बंदा बुलाया वो 15-20 मिनट में मैक्सिमम पहुंच जाएगा गाड़ी की इंस्पेक्शन करने। तो अभी आ गया हूँ मैं बाहर और जो ऐप से बंदा बुलाया था वो आ रहे हैं कार इंस्पेक्ट करने। और भैया आ गए हैं। हेलो भैया, ये है भैया गाड़ी, जांच पड़ताल स्टार्ट कर दीजिए, कहीं भी पार कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आज गाड़ी का एग्ज़ाम है और वो पास होगी फेल अभी पता चलेगा। अब मुझे एक्सपेक्टेशन कम है कि ये अच्छा प्राइस देंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कैसे हो अंकल जी? बोले ये ना बहुत कमाल की चीज़ है व्लॉगिंग, आप किसी तरफ कैमरा घुमा दोगे ना और हाँ मतलब ऐसे बोल दो कैसे हो, उतने में स्माइल कर देते हैं। भैया कह रहे हैं कि थोड़ी ड्राइव कर लेते हैं गाड़ी ताकि पता चले चलती भी या नहीं चलती। आ जाइए भैया। हाँ अरे प्लीज बैठिए यार। गाड़ी देख रहे हैं कैसी लग रही है? कार तो एकदम परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छी है ना। अभी आप बाहर से फोटो क्लिक करोगे ना? जी बिल्कुल। कि मतलब अंदर की परफॉर्मेंस ठीक है, बाहर का भी देखते हैं, और फिर ये एक ना PDF बनाएंगे और ये PDF भेजेंगे Cars24 पे, और Cars24 वाले उनसे बिडिंग करेंगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसी कार्स में, ऐसी परफॉर्मेंस कार में। जो भी एक्स अमाउंट निकल के आएगा वो फिर मेरे को 1 घंटे बाद पिच करेंगे। हाँ, 1 घंटे में आपको थ्रू दी कॉल कम्युनिकेट करेंगे। फिर के नेगोशिएशन भी होता है कि अगर मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं आ रहे तो बहुत। देखिए सर, आप कस्टमर है तो आप तो बोल ही सकते हैं एक्चुअली मैं ये डिमांड कर रहा था या मेरी ये डिमांड थी, तो जो भी अगर आपको कम लगे तो आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं एक्चुअली मुझे ये। बट जो जैसे जो डीलरशिप होती है, जो नॉर्मल जैसे हर बंदा बिजनेस चालू करता है जी, तो उसमें ज्यादा मिलता है या वैसे 24 में? नहीं एक्चुअली क्या है ना सर, ये प्राइस भी मार्केट से आता है क्योंकि डीलर से इनका टाइप होता है, टाइप लाइक ये उनको फ्रेंचाइज करता है। अच्छा। अपना उनसे सिक्योरिटी लेके ये उनको अपना एक ऑथराइज पार्टनर बना लेते हैं। समझ गया। इंडिविजुअल कोई डीलर नहीं हो सकता, वही हो सकता है जो इनसे बिजनेस टाइप करता है। समझ गया। उसी को ये ऑप्शन में अपनी रिपोर्ट वगैरह जो भी है लाइव करवाते हैं, मतलब बंदा करता है। बस इसमें ना ये और बेनिफिट मिलता होगा कि मतलब आप एक Cars24 जैसी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएटेड, तो पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट आपको पेमेंट मिलेगी ना आपको कार की। एक्चुअली ये कार से पहले ही आपको डिलीवर से पहले ही पेमेंट कर देंगे वो आपको, उसके बाद आगे कार आपसे पिक करेंगे। सही है। तो अभी देखते हैं आगे कैसे होता है, आई होप मेरे को अच्छा रेट मिले।
आप तो अपना काम अच्छे से करोगे ही, आप डिपेंड करेगा आगे क्या ऑक्शन में क्या चीज निकलती है, आपको बेस्ट ही प्राइस मिलेगा। जी जी, आपको अगर ये चीज चेक करने की गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं तो ये चेक कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट सेट बेंट हो जाएगा ना, नहीं ये पेस्टिंग जो होती है ना ये जर्नल पेस्टिंग है, अगर आप उसको डाकून नेल से रब करने की कोशिश करेंगे तो ये होगी नहीं। इनकेस अगर ये रिपेयर्ड है या रिप्लेस पार्ट है तो क्या करते हैं, जैसे हम इसे नेल से पुश करने रब करने की कोशिश करेंगे तो ये उखड़ सी जाती है, समझ लीजिए ये पार्ट रिप्लेस या रिपेयर है। क्या चीज है सर ये, इस गेज को कहते हैं पेंट डिटेक्टर, ये जर्नल पेंट या आपने दोबारा कभी पेंट कराई है कार उसको डिटेक्ट करता है। अच्छा, पेंट की रीडिंग के थ्रू जो कि माइक्रन में होती है उससे मुझे ये पता चलता है कि ये कार रिप्ले, इसका कोई पार्ट रिपेयर है या फिर रीपेंट कराया है। देख रहे हो क्या क्या चीज सीखने को मिल रही है आज, मैंने भी नहीं सोचा था, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग का कमाल है यार। एक दिन के लिए वो मीटर दे देना मुझे जब मेरे को गाड़ी देखने जाना होगा। पूरा अच्छा खासा तैयार होके आया था, गर्मी में खड़ा खड़ा पसीने निकल, अभी भैया के लिए और मैंने खुद के लिए पानी मंगवाया है, और भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही अंदर तक चेक करते हैं, लेट्स सी। मेरी गाड़ी चलने में तो बहुत बढ़िया है, बट थोड़ा ना लेफ्ट राइट से थोड़ी लगी हुई है, तो यू नो तो दे दो भैया को अंदर गाड़ी में। चलो थैंक यू सो मच भैया, आप आए एंड आई होप हमारी गाड़ी का अच्छे से अच्छा प्राइस मिले, एंड थैंक यू सो मच आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि सेकंड हैंड गाड़ी अगर आप लेते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर फ्यूचर में आप लोगों ने ज्यादा डिमांड करी वीडियो की तो एक प्रॉपर अच्छी वीडियो बना देंगे डिटेलिंग, जिसमें एक एक चीज आपको बताएंगे ये चीज ऐसे लेनी चाहिए और ऐसी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है भैया। थैंक यू सो मच। बताओ कार 24 वालों ने कितना दिया होगा आइडिया, ऊपर दिया होगा से नीचे है, चलो कितना होगा के बीच में दिया हाँ। बस बता रहा हूँ। तो कार 24 को नहीं बेचेंगे हमारे पास पहले से एक अच्छा ऑफर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो। PTA के भी नेगोशिएशन चल रहा है और लेट्स सी कहाँ जाती हैं चीजें। बाकी आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल रमन शर्मा। एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे 8 PM व्लॉग आता है, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर, बाय।